अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की लोकेशन DHFA 6 लाहौर है। मॉडर्न कॉम्पैक्ट एलिवेशन इस घर का और फ्यूचरिस्टिक एलिवेशन है। बहुत डिफरेंट इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है और इस घर में विजिट करने के लिए बहुत कुछ है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। इस घर में आपको पूल मिलेगा, स्नोकर एरिया मिलेगा, थिएटर की प्लेसमेंट मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें इस घर में हम जो कि एक्सप्लोर करेंगे। मून सरफेस भी आपको इसका बेडरूम मिलेगा और बहुत डिफरेंट लुक जो है वो इस घर की है। और अगर मैं सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन को एक्सप्लेन करूँ तो फ्रंट एलिवेशन का मैं क्लोजअप आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सामने आपको सारा का सारा टाइल वर्क मिलेगा, स्पॉट लाइट, LED लाइट जो है वो इसमें लेजर लाइट जो है वो यूज़ की गई हैं और बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। और इस साइड पे इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड है और आउटर कोर्ट यार्ड में इटालियन ग्रास जो है उसकी प्लेसमेंट है। स्टोन वर्क बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे किया गया है और 3 पाम ट्रीज जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि बहुत डिसेंट और यूनिक लुक जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे आपके पास स्पॉट लाइट इसके जो आउटर कोर्ट यार्ड है उसमें लगाई गई है। और इधर से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका रैम के ऊपर आपके पास ऑफ वाइट कलर में टाइल वर्क मिलेगा, ब्लैक रॉ आयरन में इसका मेन गेट है। और ये जो आप ब्लैक बीच में देख रहे हैं ये बेसिकली लेजर लाइट्स है। रात को ये बहुत डिफरेंट लगती है, अभी भी ये लाइट्स ऑन है, मे बी यू कैन सी। और बड़ा डिफरेंट ये जो घर है और इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग से लेके इस घर की जो इंटीरियर डिजाइनिंग है उसको बहुत जो है वो मैं हाई रेट करूँगा क्योंकि इसकी आर्किटेक्चर प्लानिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो एक कंप्लीट डिजाइनर ने की है और पूरे पैसे हैं इसके जो इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग के। इधर आगे बढ़े तो ये इसका जी इनर कोर्ट यार्ड है। अब देखें इनर कोर्ट यार्ड में आपके पास सारी की सारी यहाँ पे ग्रास नहीं लगाएगी, यहाँ पे टाइल वर्क लगा के इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और इधर से आपके पास प्लांटेशन भी कर दी है, यहाँ पे पास आपके पास सारी टाइल है, नाउ यू कैन सी। और बैक साइड भी आपके पास गैरेज है, 3 से 4 गाड़ियां आप गैरेज में पार्क कर सकते हैं लेकिन आप एक बड़ी गाड़ी यहाँ पे भी जो है इस स्पेस में भी लाके पार्क कर सकते हैं। CCTV कैमराज इस पूरे घर में इंस्टॉल है और इलेक्ट्रिक फेंस इस पूरे घर में जो है वो लगाई गई है। इस साइड से देखें तो ये सारा है, एक यहाँ पे एक ऑर्चर बनी हुई है जिसमें आप बैठ भी सकते हैं, 2 चेयर्स यहाँ पर पड़ी हैं। और अगेन आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें कितना खूबसूरत जो है वो इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। बहुत डिफरेंट ये घर है और इस साइड पे ये इसकी सारी गैरेज स्पेस है, बैक साइड पे सारी लाइट्स हैं उसका आपको यूज मिलेगा। और इस साइड पे आपके पास एक बाउंड्री वॉल है जो कि बहुत यूनिक और डिफरेंट तरीके से डिजाइन की गई। 2 स्टेप आप करेंगे तो फॉरेस्ट ग्रीन लाइट जो है वो यहाँ पे लगाया गया और पूरी की पूरी स्लैब जो है वो उसकी टाइल की लगाई गई यहाँ पे। और सामने इसका रस्टेड कलर में इसका आयरन में, रॉ आयरन में ये इसका मेन जो है वो डोर है, मेन एंट्रेंस है जिसकी। इससे मैं आ चुका हूं इस घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और सामने आप इस घर की ये डबल हाइटेड लॉबी है। ऊपर से देखेंगे तो ये बेसिकली एक ट्रिपल हाइट जो है वो इस पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। फुली बेसमेंट ये घर है और बेसमेंट में आपको इसका पूल, थिएटर और ड्राइंग स्पेस मिलती है। और सामने आप इसकी लॉबी का एरिया देखें, ऊपर कस्टमाइज अमेरिकन शैंडलियर जो है वो यहाँ पे लाके इंस्टॉल किए गए, रस्टेड कलर में जो है वो इसका मेन डोर है। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो लेदर शीट में भी यूज किया गया है जो इसके लिविंग स्पेस में सोफाज प्लेसमेंट है। और उसकी बैक साइड पे जो इसकी मीडिया वॉल है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया गया है। आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिविंग स्पेस में इसीलिए लेके आया हूं कि ये आपके पास एल शेप में सोफा प्लेसमेंट है, नीचे आपके पास एक रग बिछाई गई है और फ्लोर के ऊपर जितनी भी टाइल्स लगाई गई है सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल्स हैं। लिविंग स्पेस में देखें तो आपके पास यहाँ पे लेदर में सोफाज की प्लेसमेंट है और एक आपके पास ब्लैक और रस्ट कलर में यहाँ पे सोफा रखा गया है 2 सीटर। और सामने आप इसकी मेन जो है वो मीडिया वॉल देखें जिसमें कंप्लीटली टाइल वर्क आपको मिलेगा। ऊपर आपके पास एक कस्टमाइज शैंडलियर है और 2 फैंस ऊपर इंस्टॉल्ड हैं और गैलेक्सी लाइट जो है उसका प्रॉपर आपको इस पूरे घर में यूज मिलेगा। लेकिन ये हम पहले डायरेक्ट इसकी लिविंग स्पेस में आए थे, उससे पहले मैं आपको ये इसका मेन शोकेस किचन जो है वो दिखाता हूँ। ये इसका काउंटर टॉप जो है वो मेन शोकेस किचन है। इस साइड पे ये इसका फ्रीजर है जिसको कवर्ड किया गया है, नाउ यू कैन सी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ये आप देखें कितना अच्छा जो है वो इसकी डिजाइनिंग है। और एक फ्रिज जो है वो यहाँ पे सामने भी इंस्टॉल प्लेस की गई है। काउंटर टॉप इसका आइलैंड है। इस साइड पे आपके पास इसका मेन शोकेस किचन है जिसपे बर्नर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आपके पास इस आइलैंड में डिश वॉशर एरिया बनाया गया है। ऊपर आपके पास लेजर लाइट्स लगाई गई हैं, हायर के इन्वर्टर जो है वो इस पूरे घर में यूज किए गए हैं। टोटली एक स्मार्ट हाउस है। और उससे पहले आप ये देखें, ये इसका रेफ्रिजरेटर जो है वो उसको क्लिप लगा के यहाँ पे जो है वो प्लेस किया गया है। और ये आगे मैं लेकर जाऊं तो ये इसका जी मेन
शोकेस किचन का जो है वो सर्विस किचन है, साथ ही इसके एडजेसेंट में ये जो आप डोर देख रहे हैं ये बेसिकली डाइनिंग स्पेस है। इसको मैं आपको दूसरी साइड से ला के दिखाता हूँ और जहाँ से आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा। अगेन चलते हैं, मेन स्लाइडिंग डोर्स इस पूरे घर में यूज किए गए और दोबारा लेकर चलता हूँ जहाँ से वीडियो शुरू की थी, लॉबी एरिया से। ये इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी है। सामने ये जो टाइल्स लगी हैं, जो इसमें सारी की सारी प्रोफाइल लाइट लगी है, सारी की सारी इंपोर्टेड है और रस्ट कलर में जो है, रॉ आयरन में इसका जो मेन एंट्रेंस है इसको मैं आपको फील भी करवाता हूँ, ये देखें आप। और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ऑफिस सेटअप है जहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। और जो इसके पीछे पेंटिंग्स हैं ये बहुत आइकॉनिक है, एक हॉर्स की पेंटिंग है, बहुत यूनिक है। और ये जो आपके पास सारा का सारा फाइबर वर्क है ये बहुत डिफरेंट है। इस साइड पे आपके पास कर्टन का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास लेदर शीट में इसके यहाँ पे चेयर्स की गई हैं, दो आपके पास इधर चेयर्स हैं, सामने एक फ्यूचरिस्टिक सा टेबल जो है वो प्लेस किया गया है। उससे पहले आप देखेंगे ये इसकी डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस में देखें तो ऊपर आपके पास यूनिक शैंडलियर्स हैं, 8 लोगों की सिटिंग स्पेस है, सामने कंसोल है, टाइल वर्क है और लाइट्स का प्रॉपर यूज आपको मिलेगा यहाँ पर। और ऊपर सामने एक ग्लास भी रखा गया है। यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के 2 बेडरूम्स की तरफ, जो कि एक बड़े डिसेंट और बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पे आपके पास एक कंसोल है, ऊपर कुछ चीजें रखी गई हैं और यहाँ पे आपके पास 2 टेबल्स हैं, कंसोल और बैक साइड जो है वो इसकी बड़ी जो है वो फीचर्ड की गई है खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर आपके पास ये है इसका रिलैक्सिंग चेयर, इस साइड पे कंसोल है, पेंटिंग है और बैक साइड पे आपके पास कंसोल और प्लस LCD की प्लेसमेंट है। ये आपके पास जी है इसका बेड, बेड की जो बैक साइड है ये बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको फीचर किया गया है। ये सारा का सारा रॉ का काम जो है, रॉ आयरन का काम किया गया है बैक साइड पे। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में देखें तो वैनिटी सेटअप बहुत डिफरेंट है, स्मार्ट ग्लास है, ऊपर हैंगिंग लैंप है, वॉल हिंग कमोड है, रेन शावर कैबिन एरिया है और सामने आपके पास सारा का सारा प्रोफाइल लाइट के साथ इस घर का क्लॉजेट एरिया है। यहां से मैं लेकर जाऊंगा डायरेक्टली इसके मास्टर बेड की तरफ, जो कि मुझे बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक लगा है और बहुत खूबसूरत ये मास्टर बेड है। ये इस घर का जी मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंटर होंगे तो सामने आपके पास ब्लैकिश कलर में इसका ब्लैक और ग्रे थीम में इसका बेड है। इस साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है, बैक में सेंटर में ग्रीन जो है वो कर्टन रखा गया है जो कि बहुत यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। सामने आपके पास LCD की प्लेसमेंट है कंसोल के ऊपर और यहाँ पे आपके पास रिलैक्सिंग चेयर है और उस साइड पे आपके पास पेंटिंग और बैक जो इसकी फीचर्ड वॉल है ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये एक आपके पास सोफा रखा गया है। इस सोफा की बैक साइड पे ये आपके पास ड्रेसिंग एरिया है। आप दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास एक जो नया कॉन्सेप्ट, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि जो आपके क्लोजेट एरियाज थे वो वॉशरूम के बाहर होते थे, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्लोजेट एरिया दोनों साइड्स पे बाहर है, ड्रेसिंग एरिया सामने आपके पास एक बड़ा ग्लास रखा गया लगाया गया और इस साइड पे आपके पास एक कंसोल जो है रखा गया। अब मैं लेकर चलता हूँ इस घर के वॉशरूम में। ये इसका वॉशरूम है विद फ्लोटिंग वॉल हैंग कमोड और यहाँ पर आपके पास आप देखें कि ये इसकी वैनिटी है। आप हैरान होंगे कि वैनिटी की बैक साइड पे मिरर नहीं है, मिरर इसकी साइड पे रखा गया है ताकि इसकी जकूजी की जो लुक है वो पीछे से है। एक आपको बड़ी यूनिक डिसेंट लुक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होती है। इस साइड पे वैनिटी है, साथ इसके आपके पास ग्लास जो है वो प्लेस किया गया है और यहाँ पे आपके पास वैनिटी सेटअप है। 2-1 स्टेप अप करूंगा तो ये आपके पास जकूजी सेटअप है और बहुत खूबसूरत ये घर है। ब्लैकिश थीम है स्टाइल्स का और ये आपका टिंटेड ग्लासेस के साथ इसका रेन शावर केबिन एरिया आपको मिलेगा। बहुत खूबसूरत घर है और अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहां पर जाके इसके जो रिमेनिंग बेडरूम्स हैं उसका विजिट करते हैं और उसके बाद इसका आप बेसमेंट देखेंगे। और बेसमेंट जो है उसमें बहुत कुछ है, थिएटर है, पूल है और मून सरफेस एक आपके पास एक बेडरूम भी है जो कि बहुत यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। तो फॉलो मी और अभी चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस टाइम मैं मौजूद हूं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर और सामने आपको कस्टमाइज अमेरिकन शैंडलियर्स मिलेंगे और यहां से आप ट्रिपल हाइट जो है वो इस घर की देख सकते हैं। ऊपर आपको LED लाइट जो है उसका यूज मिलेगा, सामने ग्लास वर्क है और सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल जो है वो इसकी लॉबी में यूज की गई है। यहां पे देखें तो ये इस घर की ओपन लिविंग स्पेस है। दोनों साइड्स के ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, सामने आपके पास कंसोल है, ऊपर LCD की प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपके पास ग्रे कलर में एक सोफा रखा गया है और ये एक क्रीम कलर में सोफा आपके पास, यहाँ पर सोफा की प्लेसमेंट है। इस स्ट्रीट से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसके 2 बेडरूम्स दिखाऊंगा और उसके बाद हम इसका जो मास्टर बेड है उसका विजिट करेंगे। ये इसका एक काउंटर टॉप जो है वो मिनी किचन है। उससे पहले मैं आपको इसका ये फर्स्ट बेड दिखाऊंगा।
फर्स्ट बेड में देखें तो लाइट जो है वो बड़ी प्रॉपर यूनिक सी जो है वो लो लाइट यहाँ पर यूज की गई है। इस साइड पे आपके पास बेड की प्लेसमेंट है, बैक साइड पे आपके पास सारी की सारी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, कंसोल है, एलसीडी है, रिलैक्सिंग चेयर है और सामने आपके पास ड्रेसिंग एरिया है बहुत खूबसूरत। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में देखें तो फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, इस साइड पे आपके पास हैंगिंग लैंप है और सामने ये आपके पास सारा रेन शावर कैबिन एरिया है और ये आपका सारा का सारा वॉल हैंग कमोड आपको मिलता है। इधर से बढ़ेंगे तो ये इसका जो बेडरूम है ये बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट कलर इसमें रखा गया है। बेड है, बेड की बैक साइड पे आपके पास ये जो वॉल नजर आ रही है इस पर ट्रीटमेंट देखें कितना खूबसूरत तरीके से इसको ट्रीट किया गया है और ये जो इसका कलर रखा गया है ये बहुत यूनिक जो है वो जामन कलर जो है वो बहुत डिफरेंट कलर रखा गया है। इस साइड पे आपके पास फ्लोटिंग इसका कंसोल है, ऊपर एलसीडी की प्लेसमेंट है और साथ ही स्टडी एरिया दिया गया है और लाइट का कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत तरीके से और यूनिक तरीके से प्ले किया गया है। ये इसका वॉशरूम है, वैनिटी कोरियन टॉप आपको मिलती है, बैक साइड पर रेन शावर केबिन है और ये आप ग्लास देखें कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इस साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और ये आपके पास सारा का सारा टिंटेड ग्लासेस के साथ कवर्ड इसका रेन शावर केबिन एरिया है और ये आपके पास इसी में ही क्लोजेट एरिया मिलता है। और अगेन आप इस बेडरूम को देखें, मेरा तो ये फेवरेट बेड है और बहुत यूनिक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बेडरूम दिखाने जा रहा हूं वो बहुत डिफरेंट है। एक लग्जोरियस मास्टर बेडरूम है और उसका जो वॉशरूम है इससे पहले आपने इस तरह का वॉशरूम भी नहीं देखा होगा। और ये सामने जी मैं लेकर जाऊं तो ये इसका मास्टर बेड है। मास्टर बेड में एंटर होंगे तो आपने दो चीजें नोटिस करनी है, वन इज के आपके पास ये जो सीलिंग है यहाँ पर ये आपकी 12 फीट हाइट के ऊपर यहाँ पे सीलिंग जो है उसको दिया गया है, लेकिन उसके बाद आपके पास जो सीलिंग है वो 16 फीट हाइट जो है वो चली गई है। फर्स्ट तो आप ये देखें ऊपर आपको एलईडी लाइट मिलती है, तीन आपके पास रिंग में शैंडलियर्स मिलते हैं, नीचे आपके पास बेड की प्लेसमेंट है जो कि ग्रे कलर है और बहुत यूनिक और डिफरेंट कलर है। इस साइड पे आपके पास कंसोल और एलसीडी की प्लेसमेंट है, एक रिलैक्सिंग चेयर्स लेदर शीट के साथ यहाँ पर रखी गई है और ये आपके पास सोफा की प्लेसमेंट है और ये आपका ड्रेसिंग एरिया है और ये एक आर्च पीस देखें कितना यूनिक और फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पे ये आपके पास सोफा है और बैक साइड पे आपके पास सारी की सारी वेंटिलेशन के लिए विंडो है और यहाँ पर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। नीचे आपके पास रग है और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो इसके टेरेस को अप्रोच करती है और यहाँ पर आपके पास डीसी इन्वर्टर जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन है। और अगेन आप इस मास्टर बेड को देखें कितना यूनिक तरीके से इसको और खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। उससे पहले आप ये देखें ये इसका जी है मास्टर वॉशरूम, मास्टर वॉशरूम है दो वैनिटी सेटअप्स के साथ और बहुत यूनिक और कंसेप्चुअल डिजाइन है ये। और ये आपके पास जकूजी सेटअप है या आपके पास वॉक इन क्लोजेट एरिया है। इस जकूजी से मैं आपको अगेन दिखाता हूं और ऊपर आप ये शैंडलियर देखें कितना यूनिक है। ये जी आपका वॉशरूम है, इस साइड पे आपके पास सारा वॉक इन क्लोजेट है, सामने वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग है और ये जकूजी है और जकूजी के अपोजिट ही आपके पास इसका रेन शावर केबिन है जो कि इनफ स्पेस है यहाँ पे आपके पास शावर लेने की। और ये एक बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इस पूरे घर में प्ले किया गया है। ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट और हाई रेटेड हाउस है इन डिफेंस अभी तक जितने भी घर मैंने शूट किए हैं। और ये इसकी बारबेक्यू स्पेस है, ये बहुत खूबसूरत बारबेक्यू स्पेस है और ऊपर आप देखें ग्रिल लगाकर इसको जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ कितना खूबसूरत कवर किया गया है। और ये जो प्लांटेशन की गई है ये बिल्कुल ओरिजिनल प्लांटेशन है यहाँ पर और यहाँ पे आपके पास बारबेक्यू सेटअप है, बारबेक्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ से हम वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा डायरेक्टली आपको इस घर के बेसमेंट के अंदर और वहाँ पर इसका थिएटर, पूल और वो सारी चीज़ें जो है वो हम वहाँ पर विजिट करते हैं, मिलते हैं इसके बेसमेंट में। इस टाइम मैं आ चुका हूं इस लग्जरी मैंशन वन कनाल घर के बेसमेंट के अंदर और इधर बहुत सारी चीजें जो है वो हम टूर करेंगे। बहुत डिफरेंट ये घर है और इस घर की जो फर्निशिंग है, इस घर की जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो बहुत लग्जरी और बहुत डिफरेंट है। ये आपके पास सारी ड्राइंग स्पेस है क्योंकि इसकी ड्राइंग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, इसकी ड्राइंग जो है वो बेसमेंट में रखी गई है। और एक आपके पास बड़ा जो सोफाज की सिलेक्शन है ये बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे सारे लेदर शीट्स में सोफाज आपको मिलेंगे, बहुत खूबसूरत ये घर है। और इस साइड पे आपके पास दो रिलैक्सिंग चेयर्स मिलेंगी, ऊपर आपको रॉयल राइस जो है वो रूफ मिलेगी जो कि बड़ी गैलेक्सी टाइप लाइट्स के साथ जो है वो डेकोरेट की गई है। इस ड्राइंग को इस आर्किटेक्ट ने जो कन्वर्ट कर दिया है इसके थिएटर में, ये आप देखें सामने आपके पास यहाँ पे मीडिया वॉल है, ये बैक साइड पे आप जो पैनल्स देख रहे हैं और नीचे कंसोल देख रहे हैं, ऊपर आप देखें कि ये आपके पास इसका
कंप्लीट जो है वो मीडिया वाले आप इसको लाइट्स जो है वो डाउन करके, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं ये सारी सिनेमेटिक लाइट स्पॉट लाइट यूज़ की गई हैं। लाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे घर में रोल प्ले करता है उसकी खूबसूरती में। तो लाइट्स की सिलेक्शन बड़ी खूबसूरत है, ऊपर मल्टीमीडिया है, सामने आपके पास इसी को थिएटर बना दिया गया है और बहुत डिफरेंट ये घर है। इसी बेसमेंट के अंदर मैं आपको मून सरफेस जो है वो एक बेडरूम भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले काउंटर टॉप आप ये स्नोकर एरिया देखें कि ये इसकी जो इस साइड है, ये जो इसकी जो कॉर्नर्स हैं ये सारे के सारे ब्लैकिश थीम में, लेकिन इंटीरियर जो है वो इसका जो है ग्रे कलर में कर दिया गया, ताकि एक वाजिया जो है वो फील, एक वाजिया लुक जो है वो आपको यहाँ से आ सके। ऊपर आपके पास तीन कस्टमाइज शैंडलियर हैं राउंड शेप में जो कि बहुत यूनिक है, और इस साइड पे आपके पास एक ये देखिए क्लस्टर बनाया गया है जो कि हैंग करके खड़ा है 5 से 6 बॉल्स को, ये भी एक यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और सामने आपके पास ये सारी बार एरिया है, ये जो आप ड्रिंक देख रहे हैं ये हलाल ड्रिंक है, और इस बार एरिया में मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हलाल जो ड्रिंक्स हैं वही पिए। और यूजली जो बार बनाने का पर्पज ये नहीं होता कि यहाँ पे ड्रिंक्स जो है वो हराम ड्रिंक्स भी चलेंगे, यहाँ पे हलाल ड्रिंक्स के लिए ही बेसिकली बार जो है वो पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस साइड पे आपके पास एक काउंटर टॉप छोटा सा किचन है, और ये आपके पास सारी बार स्पेस है, और आप यहां पे देखें कि चारकोल कलर में कितना खूबसूरत जो है इसकी डिजाइनिंग की गई है, और एक इसका जो आइलैंड है वो कितना खूबसूरत है। यहां से आप देखें कि तो एक आपको फुल कंप्लीट लुक जो है वो आती है। इसका जो पूल है वो भी अभी दिखाऊंगा, मून सरफेस जो इसका बेडरूम है वो दिखाऊंगा, और बहुत डिफरेंट ये घर है। और इस साइड पे आपके पास ये सारी के सारे बैक साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज बनाई गई हैं, और अगेन आप एक फुल व्यू लें इस पूरे घर का, इसकी जो ड्राइंग और जो थिएटर स्पेस है, क्योंकि यही ड्राइंग जो है वो कन्वर्टेड है इनटू द थिएटर, क्योंकि सामने आपके पास सारी की सारी इसकी मीडिया वाले प्रोजेक्टर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये इसका मून सरफेस बेडरूम है। ये मून सरफेस इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सामने आप आर्च देख रहे हैं वो जो बैक साइड पे, ये बहुत डिफरेंट है। इसमें जो लाइट्स की प्लेइंग है वो बहुत डिफरेंट है। जब यहाँ पे रात को एक तो आपको ऊपर से नेचुरल लाइट आएगी, और साथ में इसमें स्पॉट लाइट जो है उसको रोल करके इसमें एडजस्ट किया गया है। इस साइड पे ये कॉर्नर जो है ये बड़ा डिसेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। आपके पास एक स्मार्ट ग्लास है, और यहाँ पे ये जो फर्नीचर है ये कोई लोकल फर्नीचर नहीं है, ये सारा का सारा टर्किश फर्नीचर इस पूरे घर में जो है वो प्लेस्ड किया गया है। इस साइड पे आपके पास एक बेड है, और बैक साइड पे जो इसकी फीचर्ड वॉल है ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो साइड्स के ऊपर आपके पास पैनलिंग की गई है वुडन के साथ, और बैक साइड में टेक्सचर जो है वो यूज करके एक बड़ा डिफरेंट सी ये जो है इसकी फीचर्ड वॉल जो है वो डिजाइन की गई है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास फ्लोटिंग स्टडी टेबल है, सामने इसके ग्लास है, इसको आप एज अ ड्रेसिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इसको एक स्टडी टेबल के लिए यूज किया गया है कि अगर आप इस बेड में सोते हैं तो आपके पास एक स्पेस है कि यहाँ पे आप रीडिंग जो है वो अपनी कर सकते हैं। इस साइड पे आपके पास सारा का सारा वुडन वर्क है, और यहाँ पे आपके पास मेन स्लाइडिंग डोर है, और यहाँ पे आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी है विद स्मार्ट ग्लास है, दो हैंगिंग लैंप्स हैं, और आपके पास टिंटेड ग्लासेस में इसका रेन शावर एरिया है, और नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड है, और इसी वॉशरूम के अंदर इसका क्लोजेट एरिया दिया गया है। एंड अगेन जो मेन फीचर है वो ये आपके पास मून सरफेस है। ये लाइट में अभी क्योंकि चूंकि यहाँ पे डे टाइम है, तो डे टाइम में तो ये इतनी विजिबल नहीं है, लेकिन नाइट में जब आप इसमें एंटर होते हैं और ये लाइट जल रही हो, बाकी कोई भी लाइट ना जल रही हो, तो ये एक बहुत यूनिक और एक बड़ी कूलेस्ट लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, और बहुत डिफरेंट जो है वो आपको फील होता है। इधर से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसका पूल दिखाऊंगा जो कि लेजर लाइट्स में जो है वो इस पूल को बनाया गया है, और उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस घर की ट्रिपल हाइट्स देखें, और नोवा पेंट, इटालियन पेंट और रॉक वॉल जो है वो इस पूरे घर में यूज किया गया है, और बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, तो यहाँ पे आपके पास एक रिक्लाइनर है, जब आप नहाएंगे नहा के आके यहाँ पे आपके बैठ के कॉफी चाय कुछ भी आपने पीना है तो वो पी सकते हैं। और सामने ये फिशेस की जो आर्चेस बनाई गई हैं ये बहुत डिफरेंट है, और टाइल वर्क देखें कितना खूबसूरत है। नाउ यू कैन सी योर पूल, ये आपका पूल एरिया है। अभी आपको वीडियो में लग रहा होगा कि ये जो स्पॉट लाइट सामने जो लेजर लाइट्स लग रही हैं ये पूल के अंदर भी हैं, ये बेसिकली पूल के अंदर नहीं है, ऊपर से इसका एक अक्स नजर आ रहा है जो इसके पूल के अंदर है। और आप देखें मोज़ेक वर्क के साथ इस पूल को कितना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, चूंकि रोशनी थोड़ी ज्यादा है इसलिए इसकी गैलेक्सी लाइट जो है वो विजिबल नहीं है। नाउ यू कैन सी कि ये जो इसका रूफ है ये सारा गैलेक्सी टॉप रूफ है, और ये जो लेजर लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये इससे पहले आपने ना तो मेरे यूट्यूब पे देखा है और ना ही इस DHA में किसी ने इस तरह का घर जो है वो बनाया है। और ये चीज दिखाऊं कि ये आपके पास
इसका रेन शावर एरिया, ये आपके पास देखे टेंटेड ग्लासेस के साथ, और बहुत खूबसूरत ये घर है। और इसकी डिमांड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी डिमांड जो है वो बहुत मुनासिब जो है रखी गई इस पूरे घर की। अगर तो आप ये घर विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।